मरना तो हर एक नहीं होता है, पर किसने कब और कैसे मरना है यह उसकी किस्मत तय करती है। बुजुर्ग सच ही कहते हैं कि कुछ फैसले हम खुद लेते हैं और कुछ जिंदगी हमारे लिए। अंबर ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके लिए फैसले शादी के दो दिन पहले उसे मौत के इतना करीब ले आएंगे। हेलो। हाँ जी, कौन? मैं गोलू। अच्छा, पार्लर का बेटा। अबे तू क्या, तुझे किसने बोला मैं पार्लर का लड़का हूँ? ओ बेटे, मैं तेरा नया फूफा बोल रहा हूँ, मक्खन। मक्खन नया नहीं, मक्खन ताजा होता है, और फूफा तो अभी बनना है। बेटा, फूफा के साथ ज्यादा पंगे नहीं लेते, चल सीधी तरह अपनी बुआ से बात करवा। ऐसे तो मैं भी कह दूँ मेरी माधुरी दीक्षित से बात करा दे। करवा देगा? मोदी से ना करवा दूँ, जाके बुआ से बात करवा। चलो मैं करवाता हूँ। बुआ जी, फूफा जी से बात करो। चांद सी महबूबा हो मेरी कम, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था। जिस तरफ भी देखूं, नजर आता है कि तुम हो। ऐ जाने जहाँ ये कोई तुमसा है कि तुम हो। अच्छा जी। जी, मैं मिलने आ रहा हूँ बस। नहीं नहीं, आपने क्या करने आना है यहाँ? बस जिद है ये तो मेरी, मिलना है तो मिलना है। मेरी बात तो सुनो, समझने की कोशिश करो, मुझे मुश्किल हो जाएगी। और इतनी दूर कहाँ आओगे आप? अरे दूर को कौन सा, मैंने मंगल ग्रह पे जाना है? ये छत से तो तुम्हारा गांव दिखाई देता है। मैं यूं आया बस। अच्छा, छत से तो फिर चांद भी दिखता है। चांद को तो देखने आना है। आपको मेरी कसम, अगर आप आए। हेलो हेलो, गुस्सा हो गए? मर्जी है तुम्हारी। अच्छा, मेरी बात सुनो, मुझे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ। तूने भी अभी बंद होना था। अंबर बेटा। जी मामा। बेटा, तुम्हारे मामा जी आए हैं, आजा मिल ले उन्हें। आती हूँ। जल्दी आजा। जिस नंबर पे तुसी कॉल कर रहे हो, वो इस वेले बंद है, कृपा करके थोड़ी। जिस नंबर पे तुसी कॉल कर रहे हो, वो इस वेले बंद है, कृपा करके थोड़ी देर बाद कोशिश करो। आप भी लीजिए। रणे, तार ठीक कराया था मिल पे? कौन सी तार भाई? और तुम्हें बताया तो था यार, स्टोर के पास लंगी तार लटक रही है। ठीक है भाई, मैं भेजता हूँ किसी को। अरे हाँ यार, करंट ना लग जाए। जी ठीक है। हाँ। फिर पिला दो। अभी लाया जी। ठीक है जी, ठीक है। दीपे बड़ा भाग भाग के काम कर रहा है, कहीं आँख तो नहीं लड़ गई किसी से? अरे नहीं नहीं मामा, मैं तो चाय की सेवा कर रहा था। ये चाय ही तो सारे फसाद की जड़ है, ये तो बता दे है कौन। अरे क्या मामा, तुम भी? और ये ज्यादा मामा मामा मत किया कर। चलो फिर मक्खन ऐसे बताओ कि। बापू जी, बुआ पूछ रही थी कि सरवाला किसको बनाना है मक्खन का। अरे बेटा, मुझे क्या पूछती हो, जिसका बनना है उससे पूछो। अरे सरपंच साहब, बात सुनना। अच्छा काम करो, तुम मक्खन से पूछ लो, मैं जरा हलवाइयों के पास। अरे आया भैया, आया मक्खन। आया बहन। और तू यार जिमी को फोन लगाना। अरे मेरे पास तो नंबर ही नहीं है जिमी का। अरे यार सेम ही तो नंबर है हमारे, उसके पीछे 423 लगता है, मेरे पीछे 422 लगता है। ये लो, लग गया। हेलो। क्या बात, बड़ा सांस फूला हुआ है, ग्राउंड जाने लग गया क्या? हाँ, 6x6 के।
तेरा काम बड़ा सटा है यार, लोगों की उंगलियां घी में होती हैं, तुम्हारी उंगलियों में घी आ रहा है। अबे किसी को तो छोड़ दिया कर। मैं करता हूँ कॉल। ओ हेलो, बात तो सुन जिमी। ये नहीं सुधरेगा साला, आ जाए नीचे। ये पकड़, मेरा भी चार्जिंग पे लगा देना। ठीक है, जल्दी जल्दी काम निपटा दो, और भी बहुत काम करना है। हाँ बहन, क्या कह रही थी? मक्खन, बुआ पूछ रही थी सरवाला किसको बनाना है। अपने दीपे को बहन, और किसको? ना जी ना, रिश्तेदार बातें बनाएंगे कि हमारे लड़कों में क्या कमी थी जो भांजे को सरवाला बना रहे हैं। अरे बनाने दे बहन, हमें डर है किसी का। और तुम कह देना कि मक्खन नहीं मान रहा था। अगर आज हमारा निक्का जिंदा होता ना, तो किसी से पूछने की जरूरत ही न पड़ती। सॉरी सर, इनकी डेथ हो चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। सॉरी निक्के भाई। कोई बात नहीं, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। अपना दीपा भी तो निक्के जैसे ही है, हैं? तू ऐसे ही दिल ना हल्का किया कर, हैं? चेक करो मक्खन रो मेरा स्टाइल। ओए बढ़िया स्टाइल वाले, अरे ये तू क्या उड़न खटोला सा बन के फिर रहा है? बच्चों को डरा के रख देगा तू तो, हैं? अरे मक्खन, तू इसको चाय पानी पिला और इसको इंसान बना। अरे कोई बात देखो नहीं, तो मैं देखता हूं। कैसे जुलूस निकाला है। अरे दीपे जी, कोल्ड ड्रिंक लेके आपने जैक के लिए। यू नो ब्रो, कोल्ड ड्रिंक पीने से हार्ट अटैक आ जाता है। चाय ले अब जी। नो ब्रो, एसिड, नो चाय। कुछ मीठा ले अब जी। नो ब्रो, फैट, रेड पकौड़े ले आओ। नो ब्रो, इट्स टू मच ऑयल। ऐसे कर दीपे, लठ लेके आ जरा जी। लठ ब्रो? तेरी मैं करवाता हूँ डाइटिंग। अरे ब्रो यार, जो चीजें पूछने वाली है वो तो पूछ नहीं रहे, बाकी सब पूछे जा रहे हो। क्या पूछूं फिर? देसी प्रोग्राम। कहीं जा रहे हो जिमी? जरूरी काम था एक। कहीं नहीं जाना। महक, ये ड्रामे मत करा कर। अच्छा, थोड़े टाइम पहले ये ड्रामे बहुत अच्छे लग रहे थे। यार चाहती क्या है तू? तेरी मेरी शादी। दिमाग भी फ्लश करके आई है क्या अपना? क्यों, तुम मुझे प्यार नहीं करते? ये प्यार व्यार ना चादर पे लगे दाग जैसा होता है। दाग गया, प्यार गया। अपने लिए कोई बढ़िया सा लड़का ढूंढ और शादी करवा। अच्छा देखिए सर जी, आप सेंचुरी में 6 बाकी हैं और आपके। हाँ डार्लिंग। अबे डार्लिंग के बच्चे, कोई जिम्मेदारी है तेरी? अरे जिम्मेदारी ही निभा के आया हूँ। अबे उसकी बात नहीं कर रहा, अब्बर के घर गया। यार तू क्यों चिंता करता है? उधर ही जा रहा हूँ, तू मुझे ये बता रात का क्या सीन है? घर तो मुश्किल है, अपनी मिल पर रख लेते हैं फिर। आजा। चल ठीक है। अरे जिमी बात सुन। हाँ। पाली को भी साथ ले आना। पाली? हाँ पाली। पक्की बात है? ओ हाँ यार, मिट्टी डालो पुरानी बातों पर, मिलकर साथ बैठते हैं। चल ठीक है, ओके। अरे दारू सिगरेट तो आजकल लड़कियों का काम है, अगर असली मर्द बनना है ना ये करो ट्राई। पाली भाई ये क्या चीज है? अरे चीज नहीं पागल, आइटम। आइटम?
विभूति विभूति अलादीन का कालीन हाँ? ग्रेविटी बिल्कुल खत्म कर देती है, हवा में ही उड़ता फिरता है आदमी। भाई इसका कोई नुकसान तो नहीं? नुकसान? अरे ना आग ना पानी ना चकना ना खारा, बस नजारा 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 नजारा। भाई ये लेनी कैसे है? मैंने कहा लेनी कैसे है? हौसले के साथ निकालो 2000 रुपए। भाई हमारे पास तो 700 रुपए हैं। 700 को यहाँ सिलेंडर भरवाने आए हो? चलो भागो यहाँ से। चले यार चले आते हैं, टाइम खराब। ये ले तेरे पैसे। अब हाँ भाई तुम लोग छोटे भाई जैसे हो, लाओ जो भी है लाबे। बाहर लोगों में जाकर मार्केट रेट खराब मत करना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है भाई। पता क्या है यार, थोड़ा सा क्लाइंट्स गुस्सा कर जाएंगे। ठीक है ठीक है, करो पाली के सर पर ऐश। ले भाई अपना तो हो गया। हाँ भाई। लेते हैं फिर, देख लूंगा तुझे। साले को दीवार पे स्लोगन की तरह चिपका दूंगा। आते हुए अपना बीमा वगैरह करवा के आना, कम से कम मरता मरता घर वालों के काम तो आ जाएगा। कर ली बदमाशी, चल साइड हो। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। जिमी यार मुझे जाते हुए ना वो अपना डॉक्टर की दुकान पे छोड़ देना। क्यों? दे देकर धमकिया ना साला, सिर दुखने लग गया। बढ़ाया बदमाश। ये लोग साले लाइन पे ऐसे आते हैं। प्लेटें ध्यान से गिनना, कम हुई ना तो तुम्हारे गले डालूंगा। रुको रुको रुको, कहां मुंह उठा के आ रहे हो? नया लिए? हाँ। पी बजती है? बजा के देख ले। ओ तेरी तो बड़े लगवा रखे हैं। ए, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना नहा लो जाकर। नहा लूंगा ना, धरती से कौन सा पानी खत्म होने वाला है? आप मेरे पीछे पड़े रहते हो। चल। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा, आओ फिर तुम्हारी सेवा पानी करें। नहीं अंकल मैं पीता नहीं। क्या पीते नहीं? मुँह तो तेरा रम की बोतल जैसा है। बोलू ऐसे बोलते हैं? तुमसे बड़ा है वो, चल भाग यहाँ से। अंकल जी। अरे आया बेटा आया, बदतमीज। हाँ तो छोटे भाई माफी कैसे चाहिए, हाथ जोड़ के या लिख के? अरे मेरे भाई तू मुझे माफ कर, मेरी नजर है तेरे पे। तेरी भाग यहाँ से। बड़े लगाए हैं, आजा। चल भाग। अच्छा मैं ख्याल रखना। ओके। हाय हाय हेलो। लीजिए भाभी आ गया आपका लहंगा। और जिमी कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। हाय अंबर, तुम्हारा देवर तो बहुत ही हैंडसम है, मेरी शादी ही करवा दे इससे। क्यों जिमी, करवानी है शादी? बस जी, शादी वादी के बारे में भी कहाँ सोचा है। सोच ले, मेरी बुआ की बेटी है, आइल्स में से 7 बैंड आए हैं, शादी करके कनाडा सेट हो जाओगे। बस जी। चल रहने दे अंबर, मुझे लगता है ये किसी और को लाइक करता है। अब नहीं नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, बस बता दे कौन है। ओ मैं चलता हूँ, बस आप बैठो। अच्छा जी मिलते हैं। हेलो। हाँ जिमी क्या हाल है? हाल को मार गोली, तू बता फोन क्यों काटा मेरा? अरे मैं तो जरा क्लाइंट्स के साथ बिजी था यार। छोड़ दे भाई छोड़ दे, ऐसे काम कुछ नहीं रखा इनमें। अरे अरे मैं भी यार उनको यही बात समझाता हूँ, पर सुनते ही कहाँ है। कहेंगे शराब और सिगरेट तो लड़कियों का काम है, कहते हैं अगर मर्द बनना है ना तो ये ट्राई करो, अलादीन का कालीन बुलाते हैं इसे। हाँ ठीक है, तू मुझे ये बता शाम को पिएगा? फ्री में? पहले कभी पैसे लगा के पिए तूने? चल बैठेंगे कहाँ? हम मक्खन की मिल में बैठ जाएंगे। अरे यार जिमी तुम्हें सब पता है फिर भी। अरे पीनी है ना बस, तो कहीं और बैठ जाते हैं। अरे उसका ही फोन आया था, उसने कहा पाली को भी जरूर लेके आना है। मक्खन ने? हाँ यार। नहीं मुझे नहीं जाना यार। पक्का नहीं जाना?
अरे नहीं जाना यार, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। नहीं जाना यार। चल रेडी रहना, मैं शाम को पिक करने आ रहा हूँ। अरे जिमी भाई साहब, अलादीन का कालीन है। रुको रुको रुको, अरे पापा आप क्यों पंख फैलाए खड़े हो? आगे फिर जाने दूंगा, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। आगे को मेक्सिको क्रॉस करना है मैंने, साइड हो। काले कुत्ते को खाना दिया था ना? गाय को पेड़ा ना? चीटियों को आटा तो डाला होगा ना? मंदिर तो पक्का गया होगा। तुम्हारी इस चुप्पी का मतलब मैं ना समझूं? हाँ। अरे शनि की दशा चल रही है तुम्हारे ऊपर, दान पुण्य किया करो, बुरा वक्त टल जाता है। पापा दान पुण्य से ना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अपना किया तो भुगतना ही पड़ता है। है बड़ी अच्छी लाइन है, कहां से सीखी भाई? आपने क्या करना है? तुम ना मुझे लिखकर भेजो, मैं ना व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा। साइड हो जाओ यार। अरे भेज दे यार। अरे क्या बेटा था? खाना खा ले, भूख लगी होगी। क्या बनाया? कद्दू। आज फिर कद्दू? सारा महीना हो गया कद्दू खाते हुए। अभी तो एक महीना और चलेगा। हाँ हाँ, जब कद्दू मना कर गया तब इनका साग शुरू हो जाएगा। खिला खिला कर कद्दू माँ और बेटी ने चमड़ी का रंग हरा कर रखा है। ये भी साली है। अब ये माँ क्या कह रही है जिसको पैर मार रहा है? तुम तो कहती हो, टाइम खराब कर रखा है। मुझको पहचान लो, मैं हूँ जैक, खींच बे फोटो। अरे ट्रिगर मत दबा देना, पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लो चेक करो जरा। अरे मुझे ब्लर ही कर दिया, पिस्टल पे फोकस करते जा रहे हो। चलो दोबारा खींचो। अच्छा तुम्हारी खींचनी थी और किसकी? लो फिर दोबारा खींच लेते हैं। रुक जा, रील्स ही बना लेते हैं। लो फिर एक्शन। अरे भैया चला, तुम पिस्टल रहे हो और आवाज बम की निकाल रहे हो। पिस्टल की निकाल लेते हैं अब। क्या है ये, खेलने की चीज है ये? चल जाती है ये, टाइम आने पे चला भी देंगे। चल रख उधर। दीपे अपने जिमी और पाली आ रहे, कुछ सामान का जुगाड़ कर जरा, ठीक है? ठीक जा। मम्मी चाय बनाऊं तेरे लिए? हाँ बना दे बेटा। हेलो। हाँ जी दीदी। सिमी एक रात की ब्राइडल है, तुम्हें आना पड़ेगा। हाँ जी मैं आ जाऊंगी 9 बजे। ठीक है। क्या खड़ा मूंछों के हैंडल घुमाई जा रहा है? सीख ले अपनी बहन से कुछ, वो बच्ची कितना काम काज करती है। अरे मेरी माँ मुझे ब्यूटी पार्लर का काम सीखने की क्या जरूरत, मेरे हाथ तो पहले ही यूं चलते हैं रोटावेटर जैसे, यूं करके दिखाऊं अपर लिप्स। अब थप्पड़ ना खा लेना मुझसे, कैसे कुत्तों की तरह भौंकी जा रहा है। थप्पड़ खाना मंजूर, पर ये कद्दू नहीं खाऊंगा मैं तुम्हारा। परेशान करके रखा है, नलायक कहीं का। यार जिमी मैं तो कहता हूँ मैं रहने देता हूँ यार, मैं क्या करूंगा जाकर? यार फिर वही बातें तेरी। यार तुम्हें पता तो है मक्खन का। यार क्या मक्खन मक्खन, क्या वो तुझे लिख के दे के उसने तुझे माफ कर दिया? अब तेरी कौन सा कोई गलती थी? उठ यार निक्के। यार मैंने कहा था तुम लोगों को, निक्के निक्के उठ भाई। चलो बच्चे से पेश आना, ऐसी ना शक्ल बना के बैठे रहना। अरे जिमी कैसा है? बस बढ़िया बढ़िया। कैसा है पाली? अच्छा भाई। अरे आ जा। और बताओ? बस बढ़िया। ये लो गाइस करो एंजॉय। ये मुझे दो, मैं बनाता हूँ पैक।
यार इंची टेप ही लगा रखा है हाथों में, बिल्कुल नाप तोल के पैक बनाते हो जिमी। साले पैक पिया है तूने शरबत? भाई पानी वगैरह तो डाल लेता, सुबह से पानी पी पी कर तो स्टोर कर रखा स्टोर है ब्रो। करने को तूने कौन सा ऊंट का हंप लगाया हुआ? ले भाई हम तो लगे हैं अब यारो चीयर्स कर। अरे रुक जाओ यार, ऐसे कैसे कर लें चीयर्स, पहले खड़े हो जाओ। लो जी आज का जाम अपनी यारी के नाम। शुरू से बहुत हरामी था, लड़कियों को बहुत कुर्सियां खिलाई है तूने। तुम्हारी बारी आते ही तेरे पास पैसे खत्म हो जाते थे। चल यार पैक पीते हैं। भाई इधर कर लगा। ओ यार पास दे। मक्खन कितना डालूं बता? अरे ये कौन सा नंबर है इमरजेंसी? जो इमरजेंसी के समय काम आए, इमरजेंसी कोटा। क्या मतलब तेरा? मैं कानों के साथ करा दूं दर्शन। हेलो जान कैसे हो? मैं ठीक हूँ मेरी चमक छल्लो, तू बता क्या कर रहा कर रही थी? अल्लाह की कसम सोकर उठी हूँ, बाल बिखरे हैं, कल रात थोड़ी सी दारू पी थी, बस अभी अभी नहा धोकर फ्रेश हुई हूँ, आप तो कभी याद भी नहीं करते। अरे मैंने वो जरा बिजनेस शुरू कर लिया नया, क्लाइंट्स वगैरह के साथ बहुत बिजी रहता हूँ। झूठ ही बोलते रहते हो, मिल गई होगी मेरी कोई सौदा? अरे नहीं, तुम्हारी जगह कोई ले सकता है क्या मेरी चमक छल्लो? हाय जान सच्ची, मुझे हाय मर गई। अच्छा मैं बाद में करता हूँ कॉल, मैं वो जरा क्लाइंट्स के साथ बैठा था, ठीक है? ओके। बड़ा ये बुरा लच्चा इंसान है। अंबर की कॉल, उसे बता तो नहीं दिया कि हमने इकट्ठे होना? नहीं नहीं मैंने नहीं बताया। उठा लो फिर तुम, पर ये मत बताना कि मैं तेरे साथ हूँ। क्यों? ओ छोड़ यार, हमको क्या जरूरत है, उसको जरूरत पड़ी तुझे अपने आप कॉल कर लेगी। सही है ब्रो, उठा ले कभी कभी देवरों तक भी काम पड़ जाते हैं। हाँ और तू बात तो कर यार। लव यू सो मच। अरे भाभी मैं जिम्मी बोल रहा हूँ। अरे आपने 422 की जगह 423 लगा लिया। सॉरी जिम्मी आपका लग गया। हाँ जी सॉरी। कोई बात नहीं। ओ यार मक्खन, ये नंबर वाला काम ना हम ठीक करें, ऐसे ना हो कि शादी के बाद तेरे हिस्से की गालियां मुझे पड़ती रहे। सही बात है। Oh, oh, oh.
क्या मिलता है तुझे ये सब करके? तुम्हारा प्यार। अगर मर जाती फिर? मर तो मैंने फिर भी जाना है, अगर हमारी शादी ना हुई तो। अंबर तू ये दवाइयां ले आइए जाकर। जिमी कुछ वक्त और रुक जाओ। मैं आया 5 मिनट में, तू रेस्ट कर। अरे देख लेता हूँ फिर। अरे मैं कौन सा डरता हूँ, तू आ जा। एड्रेस लिख कर भेज रहा हूँ अपना, बाद में बात करता हूँ तेरे साथ। अबे ओए क्या ड्रामे लगा रखे इसने, साला बगैर बात के गोलियां खा लेती है। गोलियां ना हुई चांद सितारे हो गए। करना क्या है इसका? तू टेंशन ना ले, मैं देखता हूँ। तू एक काम कर, ये अंबर की दवाइयां पकड़ ला। पैसे? अबे चल तू तो पहले ही बहुत टेंशन में है। अरे शनि की दशा चल रही है तुम्हारे ऊपर, काले कुत्ते को कुछ खाने को दिया कर, समझा? नीते हाँ आते हुए एक पार्ले जी पकड़ लाना मेरे लिए, तू भी खा लेना। चलो अच्छा मामा, हम चलते हैं फिर। अब तुम किधर चलती है मुंह उठा के? पार्टी तो अब शुरू होने लगी है। और कुछ नहीं यार, जगदेव कब से बोल रहा था देसी प्रोग्राम करना है, देसी प्रोग्राम करना है, बस उसी का तो प्रबंध किया है। अच्छा कलाकार कौन है? कलाकार भी अपने एरिए का है। अरे हद है जिमी, अपने इलाके में इतना बड़ा कलाकार बैठा है और मेन दर्शकों को पता ही नहीं है। दीपे चलो चले। ओए बात सुनो, अपने बिकर को बोल देना चुबारे का गेट खुला रखे। जी ठीक है। ओ, मेरे पास तो नंबर ही नहीं है बिकर का। ओ यार तुम्हें दिया तो था, सेव नहीं किया तुमने। मैं सेव करना भूल गया। तू चल मैं व्हाट्सएप करता हूँ। चलो ठीक है फिर, चलो जाए। लाह का दे। ओ बात सुन, सेव कर लेना अभी से। ठीक है मामा। कहीं फिर दोबारा आप। अरे भाभी मैं जिम्मी बोल रहा हूँ। अरे आपने 422 की जगह 423 लगा लिया। मैं आता हूँ यार एक मिनट। अब तू कहाँ चला? आता हूँ यार एक मिनट। कहते वेट करो वेट करो। बुआ जी फूफा जी से बात करो। जी क्या हुआ, दिल नहीं लग रहा? तेरे पास मेरा नंबर सेव है ना? हाँ हाँ। जिम्मी का भी सेव होगा? ऑफ कोर्स सेव्ड है। फिर डायल क्यों किया तूने? होल्ड करो मैं बताती हूँ। मेरी बात सुनो, जब दोपहर को मैंने आपसे मिलने के लिए मना कर दिया तो आपने गुस्से में फ़ोन काट दिया। मुझे भी वक्त नहीं लगा आपसे बात करने का। शाम को जब मैं मेहंदी लगवा रही थी तो मैंने गोलू को कहा कि फूफा जी को कॉल करो, आपका नाम जान पे सेव्ड है। और जिमी का मक्खन जिमी, और गोलू ने मक्खन पढ़ के फ़ोन डायल करके मेरे कान पर लगा दिया। आगे की सारी बात आपको पता ही है। आपने मुझ पर शक किया? सारी गलती भी मेरी है। सॉरी। अबर मर गए यार मक्खन, और कर ले जासूसियां। चलो मक्खन रूठ गए यार, धत बनानी पड़ेगी अब।
जनाब, गुस्सा करके लगता है। एक मिनट मेरी बात सुन ले। ऊपर सॉरी यार, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, दोबारा नहीं करूंगा। बस प्लीज कभी शक मत करना मुझ पे। ठीक है। ये शराब कौन सी है यार, दो पैग लगा कर ही होश उड़ गए। अरे फ्री की दारू होश उड़ाई देती है, तुझे तो पता ही है। वो आ रहा है मक्खन मोर की तरह नाश्ता हुआ। क्या हुआ, बनाओ यार एक पैक मोटा मोटा सा। जिमी भाई, बैठे भाई, बना एक मोटा सा। दो महाराज लो डालो। अरे पी लो मामा, क्या दो दो मिनट के बाद लगाते रहते हो। डू नॉट मामा श्यामा, कॉल मी जैक। जैक का स्वैग बेबी, जैक का स्वैग, जैक का स्वैग। मामा मैंने सुना है कनाडा में गाड़ियाँ बाईं तरफ चलती हैं। एब्सोल्युटली राइट, पक्की बात है। फिर इंडिया में क्यों नहीं चलती? क्योंकि बाईं तरफ तो केलों के ठेलों ने जगह रोकी होती है ब्रो। अरे एक मिनट मामा, लगता है वो आ गई। अरे आ गया, आ गया। अरे आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। कम कम हरी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, हरी हरी। अरे आ गई है। बोलो भैया जी, क्या काम है गी? हम पोचा लगा लेती है गी, झाड़ू लगा लेती है गी, कपड़ा धो लेती है गी, बूट पॉलिश कर लेती है गी। और तो और खाना, खाना तो भैया जी हम इतना बढ़िया बनाते हैं गी, इतना बढ़िया बनाते हैं गी कि आप लोगन खाकर पूरा एक हफ्ता में हमार जैसी बॉडी बना लेंगे। ये स्टूपिड कौन है यार? हमारी। अबे तुमको किसने कहा गाड़ी में बैठने के लिए, चलो उतरो नीचे। अरे भैया ही तो बुला रहे थे। हरी कम हरी कम हरी कम। जॉर्डन का शूज मारूंगा, उतर नीचे, उतर। अबे निकल जा, गेट आउट। जाते हैं जाते हैं, कभी बुलाते हैं कभी भगाते हैं। चल गेट आउट। आप लोगों की इडियट कहीं का, साले ने सारा मूड खराब कर दिया। अफुक ब्रो, इंसल्ट करवाने के लिए यहाँ लेके आए थे। अबे छोड़ो यार। चले या और बेइज्जती करवानी है आप? पापा 5 मिनट प्लीज। पिछले 1.5 घंटे से मैं एक ही बात सुनता आ रहा हूँ, 5 मिनट 5 मिनट प्लीज। अंबर तुम उस लड़के को भूल जाओ, जो भी रिश्ता पहले आ गया ना मैं उसी के साथ शादी करके तुम्हें भेज दूंगा, समझी? चल अब। पापा जिमी, जिमी फोन उठा ले। मुझे होते हुए तुम्हें कोई हाथ लगा सकता था? बताओ। देख ही रहा वो तो भाई खड़ा देख रहा है यार, पकड़ ले से आके। देती हूँ तुम्हें, दो जवाब मुझे। अगर इतना दर्द देखा नहीं जाता देती क्यों है? जितना दर्द तुम देते हो ना उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। अंबर मुझे तेरी कसम, अपनी शादी की मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ। यही सुन रही हूँ मैं 2 साल से। मुझे तो लगता है तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी। तुझे मेरे प्यार पे शक है? ना तुम मेरे घर वालों से मिलते हो और ना अपनी फोटो दिखाने देते हो। शक ना करूं तो और क्या करूं? शक भी और प्यार भी, जाने मन ये कोई बात तो नहीं ना? जिमी कभी तो सीरियस हो जाया करो। अरे यार सीरियस को अब मैं पीजे ही भर्ती हो जाऊं? वो तो मैंने तुम्हें करवा ही देना है अगर तुमने मुझसे शादी ना करवाई तो। अच्छा मेरी माँ, करवा लूंगा पर पहले आईलेट्स की तैयारी कर ले। आईलेट्स का शादी से क्या लेना देना? तो बस सबर रख, उसके बारे में सोचा हुआ मैंने कुछ। अरे ध्यान से खेलो। चले मामा, अब तो नींद आने लग गई। नींद तो आनी ही थी, मॉर्निंग जो हो गई। मॉर्निंग? अरे बाहर देख मामा, अभी रात है। सॉरी ब्रो, कनाडा के हिसाब से कह दिया।
तुम इंडिया वाले पीछे ही रहोगे। अरे बैठ जाओ तुम, बड़े आए कनाडा से। चल चल जल्दी चल। अरे यार जिमी, ये पानी खत्म हो गया, लेके आना यार भर के। क्यों टांगे टूटी हैं तेरी, खुद ले आ। कुत्ता समझ रखा है जो तेरी हर बात मानूं मैं। समझने से क्या मतलब है? क्या मतलब तेरा, मैं कुत्ता हूँ? डल ब्लैक। क्या यार, अब हम कुत्ते हो गए तेरे लिए। अरे यार क्या हरकतें कर रहे हो, ये मैं ले आता हूँ। ओए यार बैठ बैठ, मजाक कर रहा हूँ। मैं ले आता हूँ। कुत्ता साला। अरे यार, एक तो इसने बड़ा खून पी रखा है यार मेरा। हाँ बोल। माना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर प्यार से बात तो कर ही सकते हो ना। ओ यार तू काम बता। मुझे नींद नहीं आ रही तो मैंने सोचा तो कि फिर मैं तुझे ब्लोरी सुनाऊं। नींद की गोली ले और सो जा चुपचाप। तुम सच में छोड़ना चाहते हो मुझे? यार अब मैं तुझे लिख के दूं, ये अपना प्यार व्यार वाला ड्रामा बंद कर और मेरा पीछा छोड़। चलो ठीक है, आज के बाद तुम भी मेरा कभी फोन नहीं आएगा। पक्का? हाँ पक्का। शुक्र है तुझे भी अकल आई। अपनी बात पे रहना। अब तुम फ्री हो, अब जो मर्जी करो, जहां मर्जी जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। खुश रहो। तुम भी। आज ही खत्म करोगे इसे? तुम गाड़ी चलाओ सीधे होकर। ये लगाना है जी, कनाडा का है, बहुत अच्छा है। नहीं जी। दीपे, इसकी तो आवाज ही बड़ी सुंदर है। Tell her show face। अरे मैं ये सब नहीं कहता, तुम खुद कह लो। अरे जॉर्डन के शूज ले लेना। पक्की बात है? हाँ। Tell her show face। अरे रुक तो जाओ, कहता हूँ। पाली, यहाँ आओ जरा। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अरे आओ तो सही। कितनी डालूं फिर? बस बस थोड़ा सा। मक्खन यार, अगर तुम्हारे मन पर कोई बोझ है ना तो उतार लो यार। जो सजा देनी है मुझे दे दो। यार बेकसूर आदमी को कैसी सजा? तुम्हें पता है मक्खन, ये बात सुनने के लिए ना कौन तरस गए थे मेरे। कसम से यार, मैंने निक्के को उस दिन इतना समझाया, पर अरे निक्के पागल हो गया क्या तू? दो बार की डोज एक बार में लगा रहा है, देखना मजा भी डबल आएगा। अबे साले गलत कर रहा है, मर जाएगा तू। ये पकड़, मान ले मेरी बात। अरे अब तू बताएगा जाट को
क्या करना है क्या नहीं। रात की रोटियां गर्म करके खाने वालों, तुमको क्या पता मजा क्या होता है। यार निक्के तू गलत कर रहा है, ये इधर ला। यार भाई उठ यार, निक्के यार कहा था ना तुम्हें मैंने, निक्के निक्के उठ भाई, निक्के उठ भाई। सॉरी सर, इनकी डेथ हो चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, सॉरी। निक्के चल छोड़, तेरा भी कसूर नहीं था पाली। यार निक्के के बाद ना मैं बिल्कुल अकेला रह गया, पर जब से ये अंबर आई है ना, इसने सारे परिवार को संभाल लिया। कसम से यार, तेरी भाभी बहुत अच्छी है यार। अरे भाई अच्छी है या बुरी मुझे क्या पता यार। क्यों बे, मुझे कौन सा मिलवाया तूने कभी? ये कौन सी बड़ी बात है यार, ले ये ले, कर साक्षात दर्शन। ध्यान से खेलो ओए। क्यों खुल गई आंखें, उतरती है ना जहन में? यार ये तो जिम। बिल्कुल लगाती है जिम तो। जिम तो तेरे भाई ने भी शुरू कर लेना है, महीने तक सारी फैट गायब कर दूंगा, देख लेना। नहीं मैं तो ये कह रहा था कि बात ये बात है, अब तो फोटो बनती है। रुक जाओ रुक जाओ, इकट्ठे हो जाओ। अबे कौन सी सदी में घूम रहा है, फोटो खींचती है, इधर आ सेल्फी लेते हैं। अरे यार वो... अरे यार बोल दे यार, ले लेना फिर। जॉर्डन जॉर्डन दीपे जॉर्डन। अरे कहता हूँ खींच के फोटो डाल दे इंस्टा फेसबुक पे, पता लगे यारों की यारी का। सुनिए तो, ये बाहर से हमारे मेहमान आए हैं, जरा अपना चेहरा दिखाइए तो। सरदार साहब, ऑपरेशन मैंने कर दिया है, पर ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक होश नहीं आता कुछ नहीं कह सकते। सरदार साहब बात क्या हुई थी? दीपे जी तुम्हें मालूम है क्या, हाथी के कान इतने बड़े क्यों होते हैं? हवा झुलाने के लिए? अरे नहीं यार, इतने बड़े कान इसलिए होते हैं कि अब तू हाथी का शरीर देख कितना बड़ा होता है, अगर वो अपना शरीर देख ले ना तो उसको हो जाएगा घमंड, तो वो दुनिया को कर देगा तहस नहस। भाई बिक्कर, बात तो तुम्हारी सही है। अबे कान ही बड़े हैं, अंधा तो नहीं, दूसरा हाथी नहीं देख लेगा वो। बात तो खैर तेरी भी सही है, पर सामने हाथी। थैंक्स बिक्कर ब्रो, आज से ये जॉर्डन के शूज तुम्हारे हैं।
पक्का? हाँ पक्का। अरे मामा एक ही शू है तुम्हारे पास जॉर्डन का, इसको दोगे या मुझे दोगे? तू बाया ले लेना या दाया ले लेगा, क्यों दिमाग खराब किया है? चल बैठ गाड़ी में, चल चले। चलो ठीक है बिक्रम ब्रो, मक्खन की शादी में मिलेंगे। हाँ हाँ मिलते हैं मिलते हैं। लो पकड़ो पैसे। ये क्या बदतमीजी है, फोटो डिलीट करो। बेबी जस्ट फॉर मेमोरीज, मैंने कौन सा किसी को दिखानी है? मुझे नहीं पता, प्लीज मेरी फोटो डिलीट करो। तुम कहो ना कि मेरी फोटो डिलीट करे। अरे कर दो ना डिलीट, तुम्हें अचार डालना है। नाउ हैप्पी? पागल। मिस यू बेबी। चलो ब्रो। आ गई बेटा? हाँ मम्मी, तुम सोई नहीं अभी तक? चिंता कहाँ सोने देती है बेटा, तेरा ये ब्यूटी पार्लर वाला काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे देर रात तक बाहर रहना पड़ता है, तेरी पहले वाली नौकरी ज्यादा अच्छी थी, ऐसे ही छोड़ दी तूने। चल सो जा। सिम्मी अब अपनी माँ को क्या बताए कि उसने वो नौकरी क्यों छोड़ी? बार की तरह किसी की बुरी नीयत की वजह से सिम्मी को फिर नौकरी से निकाल दिया गया। पर जिंदगी में अगर आपको बुरे लोग मिलते हैं तो अच्छे भी आपके आसपास ही होते हैं। मनजीत दीदी, जिसकी वजह से सिम्मी की जिंदगी में खुशियां फिर से लौट आई। पर बुरी किस्मत कभी पीछा नहीं छोड़ती। दीदी जी। हाँ? मुझे ना 50,000 रुपए चाहिए। ये लो उसे काम देने के पैसे। कोई बात नहीं, अगर कोई और काम हुआ तो, जरूरत हुई तो बता देना मुझे। दीपे। अब ये किस लिए? ये भी पता लग जाएगा कुछ दिनों में। पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगे, पर तुम्हें एक काम करना होगा। काम? Thank you.
अरे वो पकड़ाना यार मुझे भी एक। अरे यार मेरा पैक वैक मत डालना यार अभी। ओए डायरेक्ट वीडियो कॉल, ये प्रिया कौन है साले, तूने बताया नहीं कभी। छुपा तो बहुत कुछ रखा है इसने। हाँ जी। कैसे हो मेरे जिम्मी चू? बस आपके सामने है। Shall I call later? डिस्टर्ब को मैं कौन सा, ट्रूडो के साथ बैठा हूँ, यारों के साथ ही बैठा हूँ। अच्छा मतलब पार्टी चल रही है। बस पार्टी चल रही है। चल मैं तुझे अपने यारों के साथ में मिलाई देता हूँ। ये है मक्खन। हेलो मक्खन। और ये है पाली। हाय। हेलो जी। तुम्हें हेलो, मुझे हाय। तुम भी यार, पार्टी पढ़ा लिखा कब है ना। अरे तो उसे थोड़ा ना पता है। कौन सा ब्रांड चल रहा है फिर? हम देसियों का तो पता ही है तुझे, हम तो लोकल ब्रांड वाले हैं। कोई नहीं, पी लो जितनी पीनी है। शादी के बाद जब मैं कनाडा ले आई ना तो इसी को तरसोगे। वो तो है। कनाडा? फिर हम यहाँ पे पार्टी किया करेंगे। अरे हमें कौन सा बताता है। यो यो मक्खन ब्रो। चल ठीक है मैं तुझे बाद में करता हूँ। नहीं भरा अभी मक्खन ब्रो, मजा आ गया। कहाँ से ढूंढते ऐसे कलाकार? जगदेव को आज भेज दो PGI। अरे क्या बात है भाई, जैक से सीधा जगदेव। अरे जैक में गया तेल लेने, अब तो जगदेव ही चलेगा। ओ मक्खन, इतना गुणवान कलाकार। गुणवान कलाकार तो होना ही है, ट्रेनिंग जो मैंने दी थी उसको। अरे मेरी भी करवाना यार कभी जुगलबंदी। अरे कब तक इमरजेंसी कोटो के साथ काम चलाते रहेंगे? दिखाओ तुम लोगों को कलाकार, फोटो खींच रखी है मैंने। वो मामा इसने खींची थी, मैंने डिलीट करवा दी। ये आईफोन है, रिसेंटली डिलीटेड में संभाल के रखी है। तुमने तो देख रखी है यार। अरे मैंने थोड़ी ना देखी है। अरे तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत है। अरे यार, अरे अरे यही बैठ के देख लो। सालों इसे चार्ज तो कर लिया करो, बंद हो गया वहां जाकर, फोटो भी नहीं देखने को मिली। अरे यार छोड़ो यार, मैं अभी मंगवाता हूँ चार्ज। अरे तुम लोग बैठो, मैं अभी मंगवा देता हूँ, रुको दो मिनट। अरे फिर देख लेंगे यार, तुम पैक लगाओ। अरे तुम मंगवा यार चार्जर मंगवा। अरे मिल लेते हैं, देख लेते हैं फिर, मैं डरता हूँ। चल मैं तुझे लाइव लोकेशन भेजता हूँ। अबे तू रुक, मैं तुझे करता हूँ कॉल बाद में। हेलो, हाँ जिमी। अरे यार आईफोन का चार्जर देके जा मक्खन वाली मिल पे। अबे यार मैं नहीं आ सकता भाई, यार ट्रक आने वाला है, दूध डालना है मुझे यार। अभी के अभी देके जा। अबे मेरी बात तो सुन ले यार जिमी। अबे क्या यार, साले बदमाशी भी नहीं करने देते। आप मौके पर पहुंचे या सीधे हॉस्पिटल आए, आपको कैसे पता? जी मैं... सर अंबर को होश आ गया है। अच्छा बेटा ठीक हो तुम? अंबर बेटा ये पुलिस वाले तुम्हारा बयान लेना चाहते हैं। अंबरदीप हमें रात की वारदात के बारे में बताइए कुछ। आपके मंगेतर मक्खन के साथ आपकी आखिरी बात क्या हुई थी और जिमी शर्मा को आप कैसे जानते हैं? अंबर, अंबर बेटा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर साहब, बेटा प्लीज आप सब देखिए ना क्या हुआ, नर्स को देखिए ना क्या हुआ इसे। चलो चलो अंबर बता फिर क्या करना। पागल समझ रखा है, जो कहोगे मानती जाऊंगी। इधर तू नहीं मान रही, उधर इंटरकास्ट मैरिज के लिए मेरा बाप नहीं मान रहा, किधर जाऊं मैं बता, किधर जाऊं मैं? तुम्हें जहां जाना है जाओ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। क्या चाहती है तू, भगा के लेके जाऊं तुझे? मरने तुम देते नहीं और जी मैं तुम्हारे बगैर सकती नहीं। जिम्मी मेरे घर वालों ने मुझे कहीं और ब्याह देना है,
अंबर मैं इसलिए कह रहा हूँ, मक्खन से शादी करके हायर स्टडीज का बहाना लगा के कनाडा चली जा। पीछे मैं तो आ ही जाऊंगा, वहां नया मुल्क नया कानून, और फिर कौन सा मक्खन कौन सा पंजाब। मेरी बात समझ रही है ना तू? ये है मेरा जिगरी यार जिमी। नमस्ते। हेलो जी, बैठिए प्लीज। अंबर, ओ सोनिया, मैं आई अपनी फ्रेंड से मिलके। तू यहाँ कैसे? मैं अपने फ्रेंड के साथ आई हूँ। आजा वापस, कि आगे तक छोड़कर आएगा। मक्खन यार, ये तो तुमने सच में दूध से मलाई उतार दी। कसम से भाभी बहुत सुंदर है यार। चॉइस किसकी है फिर? यार मुझे भी ढूंढ दे कोई ऐसी। ओ, कर देते तेरी भी सिफारिश। ढूंढ लेना है उसने खुद ही। बस एक बात की समझ नहीं आई यार, इतनी सुंदर लड़की तुझे मिल कैसे गई यार? ले सुन फिर, पिछले हफ्ते तेरे भाई की कुर्ते पजामे वाली फोटो पर इसने कमेंट कर दिया। हाँ। पूछती टेलर कौन है। मैंने कहा मैं तो मिलकर ही बताऊंगा, बस उसके बाद बात बच्चों के नाम तक पहुंची हुई है। मिलते हैं बस। चल ठीक है फिर। ओके, अच्छा बाय। जी क्या बातें चल रही हैं? बस कुछ नहीं भाभी, आपके बच्चों के नाम डिस्कस कर रहे थे। ओए। चलो आप करो ऑर्डर, है मैं जरा वॉशरूम में आया। अच्छे लग रहे हो। अरे जीता चार्जर लेके आया ही नहीं, कब चार्जर आएगा, कब कलाकार की फोटो देखेंगे। अरे भाई कम मूत ले, सारी उतर जाएगी। वैसे पाली, अच्छा हुआ ना तू आ गया यहाँ पे, मक्खन कितना खुश होके मिला तुझे, और तू ऐसी। अरे बचपन के खेलों से लेके थाने की जेलों तक इकट्ठे रहे हैं हम सब, और तू ऐसी। ओ भाई मक्खन यार है अपना। अगर यारी है तभी तो तू। यार एक तो ये फोन, पापा की कॉल आ गई अब। पर यार मैं बहुत खुश हूँ कि तेरा और मक्खन का अच्छा हो गया सब। हाँ मैं आया एक मिनट। कहता है बॉल नहीं डालूंगा। रुको, दूं तुम्हें बारी, भाग जाओ यहाँ से, बड़े आए बारी वाले। अरे क्यों बच्चों पर गुस्सा उतार रहे अर्जुन? अरे सरपंची ही हारे हो ना, 5 साल बाद फिर आ जाएगी हैं? सरपंची तो आ जाएगी पर इज्जत, इज्जत वापस नहीं आनी। अरे कुछ नहीं हुआ इज्जत को, कहीं नहीं जा रही। अरे गिंदर भी तो इसी का भाई है, चाहे सरपंच वो बन जाए चाहे ये बन जाए, क्या फर्क पड़ता है, हैं? अगर फर्क पड़ता ही नहीं था तो मेरे पास क्या लेने आए हो, उसके पास पी लेते दारू। तुम्हें मालूम है बिंदर सरपंची कैसे जीता है? कैसे? अपने यारों के कारण। और मेरे यार थू, ये बैठे यहाँ हाथ पे हाथ धरे। अगर मेरे हाथ कानून में नहीं बंधे होते ना तो मैं साले का काउंटिंग वाले दिन ना दिया पांचा कर देता बड़े सरपंच का।
क्या करूं गुरजंट यार, मेरा बस नहीं चलता। लोग कहेंगे अर्जुन ने सरपंची के चक्कर में अपना ही भाई मार दिया। वैसे यार यारों की बाजू होते हैं, एक बाजू तो पहले ही लाचार थी और दूसरी, चलो छोड़ो गुरजंट, तुम पैक बनाओ। पक्का? हाँ पक्का, बनाओ पैक। बचा लोगे मुझे? क्यों, हमारी दोस्ती पर शक है? अब फिर पैग उसी दिन लगाना अर्जुन जिस दिन के अंदर का काम तमाम हो गया। बार बार फोन मत कर, मक्खन को फिर शक पड़ जाएगा। तुम तो ठीक हो? अरे हाँ यार, मैं तो ठीक हूँ, बस मैं तुझे फोन करूंगा अंबर, तू मुझे कॉल नहीं करेगी। ओके? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ आजा, अब साड़ी उतार के आएगा। I'm an India Lucy, no signal Lucy। अरे मामा दे दो मेरा फोन यार, आज ही सारा नेट खत्म करोगे क्या? और ये क्या लूसी लूसी कर रहे हो, दूर जाके बात करो। hey, मामी है तुम्हारी। Sorry, लूसी। I love you, लूसी। जाना तो फिर भी पड़ेगा, अब टिकट एक हफ्ते बाद की बुक करा देना। इतनी जल्दी क्या है जाने की जाने मन, क्लासेस तो महीने बाद ही शुरू होंगी। मेरी एक फ्रेंड ने भी विनीपेग ही जाना है, वो कहती है इकट्ठे जाएंगे, रहना आसान हो जाएगा। कौन सी फ्रेंड? उसने भी मेरे साथ ही ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट से आइल्स की है। वैसे जिमी ने भी तो वहीं से आइल्स की थी, कभी मिला नहीं तुम्हें? वेट, कहाँ रह गए? लो जी खत्म। ये तू अंबर को पहले से जानता है? वे अपना खारा दीपित पड़ी है थोड़ी बहुत। नहीं यार देखना। पाली जरा स्टोर रूम में से दारू निकाल के लाना। ओए हेलो, तुम अंबर को पहले से जानते हो क्या? नहीं। अगर मिला होता तो आपको बताना देती, हमारे बैच में बस लड़कियां ही थी। ओके ओके चलो करते हैं बाद में बात। शुक्र है यार ऐसे ही है, अच्छा ही हुआ। तेरे जैसे आदमी का क्या एतबार, तेरे जैसा आदमी तो दूरी वाला। प्यार व्यार ना चादर पे लगे दाग जैसा होता, दाग गया प्यार गया। अपने लिए कोई बढ़िया सा लड़का ढूंढ और शादी करवा। अरे यार किसी एक का तो हो जाए यार, वो कनाडा वाली लड़की मुझे अच्छी लगती है, उसके साथ शादी करके सेटल हो जा। वैसे ही जगह जगह मुंह मारता फिरता है यार।
ये मुंह मारना तेरी वजह से शुरू किया मैंने। ना मेरी वजह से क्यों मुंह मारने लगा तू? प्यार करता था सोनिया को मैं। जिम्मी बदल ले यार इसको, क्या तमाशा बना के रखा है। अरे यार रुक जा। सब देख रहे हैं। मैं करता हूँ उसको दोबारा कॉल। ले आ गया मक्खन। आजा मक्खन। यार सोनिया को घर छोड़ दे। क्यों टेंशन लेते हो जिमी, बैठा है तेरा भाई यार। बस ठीक है चल जा। ओके अच्छा वो जरा क्रिकेट खेल रहे थे जी, मैं करवाता हूँ बात। जिम ये सोनिया भाभी का फोन है। एक मिनट। ले भाई मक्खन हो जा तैयार। हाँ बेबी कैसे हो? क्या हो गया तू? रो क्यों रही है तू? क्या हुआ? सब ठीक है? जिमी मेरा यकीन करना, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस फार्म हाउस देखना चाहती थी। हेलो। हाँ तरसेम। ओ यार तुझे बोला तो था पार्टी अपने फार्म हाउस पर करेंगे, और अगर पैसों की जरूरत हुई तो शर्माना मत, मुझे बता देना ठीक है। ओके बाय बाय। आपका फार्म हाउस भी है? हाँ जी, ये अभी तो निकला है पीछे। अच्छा वो आपका था? जी। मैंने कभी फार्म हाउस नहीं देखा। बताइए फिर कब देखना है? जब आप बोलो। अभी लीजिए। मैंने तो वैसे ही मक्खन को फार्म हाउस दिखाने को बोला था। मुझे क्या पता था उसके मन में क्या है। उधर उसने मुझे जबरदस्ती ड्रिंक करवा दी और बाद में मुझे होश ही नहीं रहा। जिमी मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और मैं भी बहुत करती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। ओ जिमी आजा यार, क्या फोन पे लगा हुआ है? वैसे मक्खन साला खतरनाक खिलाड़ी है ना, एक भी बॉल मिस नहीं जाने देता। हाँ आजा। दीपे। जी भाई। जा यार, उसे नहीं पता लगेगा दारू कहाँ पड़ी है। जाता हूँ। भाई वो तो लड़की ऐसी थी यार। अगर तुम्हें ज्यादा ही गुस्सा है तो ये लो दोनों जोड़े हाथ, मुझे माफ कर दे। जो बदला लेना ले ले यार। बदला तो मैं ले चुका। अरे पाली भाई, यहां पर बैठकर क्या कर रहे हो? वहां सब दारू के लिए बैठे हैं। अरे पाली बोलो कुछ, क्या हुआ तुम्हें?
मामा। अबे तू क्या बोल रहा था उस दिन? तुझे देख लूंगा ये खड़ा है तेरा जीजा, आजा देख ले। मैं तो भाई ये कह रहा था कि पबजी में देख लेंगे भाई, आप सीरियस ही ले गए। लगा साले के दो भाई 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 यार। यार मक्खन, यही सच है मेरे और अंबर का। मतलब तू और अंबर मुझे धोखा देते रहे? बदला बोलते क्यों नहीं, कहाँ खो गए? अरे मैं तो कह रहा था कि मक्खन। अरे जिमी, अरे मक्खन, अरे जगदेव जल्दी आओ यार, देखो यार क्या हो गया ये दीपिका। अरे यार जल्दी आओ यार, अरे भाई, अरे देखो यार ये क्या हो गया दीपिका यार। अरे भाई, अरे आओ यार जल्दी। पाली, अरे यार ये क्या हो गया? पाली बता यार, दीपे दीपे क्या हो गया तुम्हें? पाली पाली क्या हुआ यार? पाली क्या हुआ? ओए दीपे ब्रो, पाली पाली ब्रो इससे क्या हो गया? पाली बता क्या हुआ, दीपे को रोना बंद कर। अरे भाई यार, मैं स्टोर रूम में शराब ढूंढ रहा था यार, अंदर बहुत अंधेरा था यार, मुझे शराब नहीं मिली यार। अरे बाहर से आवाज आ रही थी यार, जब मैंने देखा तो दीपा इस तार से चिपका हुआ था यार, दीपा को करंट लग गया यार। दीपे, अरे दीपे, 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 पहले लिखा चला गया अब तू चला गया। जीपी जीपी ये मजाक कर रहा है, इसको उठा यार, उठा जीपे, जान था तू मेरी। अरे यार भाई दीपे को क्या हो गया यार? दीपे दीपे
क्यों मारो, क्यों मारो दीपक को? मक्खन, मक्खन ये क्या कर रहा तू? मक्खन छोड़ इसको, मक्खन, जगदेव छुड़वा इसको, मक्खन, मक्खन, मक्खन पागल क्यों हो गया तू? क्यों मारो दीपक को? या होश में आ, क्या बोल रहा है तू? मुझे नहीं पता करंट लगने से कैसे मरता आदमी। वो देख घसीटा हुआ, कान से खून, मुंह से खून, वो देख टूटा हुआ पांव नहीं दिखाई देता तुझे। पाली क्या बोल रही है? बोल पाली क्या कह रही है? हमारा है। अरे जितने पागल तो नहीं हो गया तू? होय होय, रुक जा पाली, पागल हो गया तू? क्यों मारा है बच्चे को? क्या कसूर क्या था उसका? मैं मार दूँगा उसे। चल चल तू यहाँ से। दीपकों का बदला लेने मक्खन में मार दूँगा उसे। कामों में पढ़ने की क्या जरूरत है? चल यहाँ से। चल 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 यहाँ से। भाग जा यहाँ से, वापस नहीं आना। तुझे पता था कि जैग और दीपा जो लड़की लेके जा रहे हैं वो पाली की बहन है? साले पाली भाई है अपना। तेरे इसी भाई ने हमारे निक्के को मारा। साले पैक थोड़ा है जो इतना नाप तोल के डाल रहा है, भर लेने इसको ऊपर तक। ज्यादा तो नहीं हो जाएगा पाली? मर जाएगा क्या? जाट ये जाट वो, निकल गई हवा, हग दिया, हो गई पैंट गिली। इधर ला बेटा, तेरे बस की बात नहीं, ला। अरे उठ यार। अरे अरे निक्के क्या हो गया तुझे? अरे उठ ना। बड़ा आया जाट। निक्के का क्या कसूर था? क्यों मार दिया उसे? हमारा मैंने, अपने बाप का बदला लेने के लिए। पूछ लेना जाकर अपने बाप अर्जन सिंह से, सरपंच बनने के लिए क्या किया था उसने। ओ यार, जा जल्दी से उठा के लेकर आ। ले वही अर्जुन, चन्नड़ तो फंस गया अपने जाल में, पर पंची मुबारक। वो तो ठीक है, पर अगर चन्नड़ ने जेल के अंदर मुंह खोल दिया फिर। ओहो, अर्जुन सिंह बहुत भोला है, तुम समझे नहीं। मुंह तो तब खोलेगा ना जब अंदर से बाहर आएगा। मतलब? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि फांसी सिर्फ अदालत देती है? ओ यार, मैं किस दिन काम आऊंगा?
अरे खुश कर दिया थानेदार साहब। सदके जाऊं तुम्हारी यारी पे, अपने पर्सनल खुंदक के लिए एक ने किसी की बहन की इज्जत उछाल दी और दूसरे ने बच्चा मार दिया। अबे सालों शर्म कर लो कुछ। और तुम जो पीठ में छुरा घोंप रहे हो वो क्यों? मैंने क्या कर दिया तेरे साथ? इसके साथ तो कर रहे हो। तेरी होने वाली बीवी माशूका है इसकी। साले क्या बकवास कर रहा है तू? क्या कह रहे जिमी ये? अगर नहीं यकीन तो कर ले उसको फोन। तू साले दफा हो। मखन मखन मेरी बात सुन यार, मखन तू इसका यकीन करेगा यार? फोन कहाँ है तेरा? वो इस कुत्ते के कारण अपना छोटा भाई मरा और ये दीपा मरा पड़ा है यार। तू उसकी बात कहाँ है तेरा? बैठ के बात करते रहो हम यार। क्यों? मैंने कहा था ना हमारी यारी तोड़वाना चाहता ही है। ला दे। जिमी तुम ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक है तेरा जिमी। अभी ये किसने चला? अरे ये क्या हो गया? मेरे हाथ का पटाखा इससे कहीं बड़ा है। लाओ यहाँ पर। सरदारों को बदनाम करने पे लगे हुए हैं। बदतमीज कहीं का। हट। अंबर तू कहाँ जा रही है? किरण मुझे जाना पड़ेगा। पर अगर मामा जी ने पूछा तो मैं क्या कहूंगी? अगर मैं ना गई ना तो कहने सुनने को कुछ भी नहीं बचेगा। जाइए, चिंता क्यों कर रहे हो? खुद ही आ जाएगा। नहीं बेटा, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। पानी का ग्लास देना बेटा। हाँ देती हूँ। ये लो मम्मी। ठीक हो? पागल हो गया तू? ये क्या कर दिया तूने? मैं कहा था ना मार के जाऊंगा। ले लिया दीपे ब्रो का बदला। वो बदले के लगता है कनाडा नहीं जा पाएगा। मुझे नहीं जाना ब्रो। तू जा, निकल यहाँ से।
चल तू निकल, नहीं जाना। जा चल यार, तू जा यार। मक्खन इसे नीचे कर ले प्लीज, मैं सारी बात तुझे बैठ के समझा दूंगा। हम दोनों भाई बैठ के बात कर सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कर प्लीज। मैंने तुझे अपने छोटे भाई की तरह समझा था और तू मेरे घर में। नहीं 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 पापा पापा प्लीज 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 पापा पापा मक्खन ये चल जाएगी। मक्खन इसको 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 नीचे रख प्लीज। मैं तुझे बैठ के सारी बात बताऊंगा, सारी बात समझाऊंगा। जिमी जिमी तुम तो ठीक हो? जिमी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हाँ जी। मेरी मूछ कभी नीचे मत होने देना। शुक्रिया। कब से मेरे पीछे पड़ी थी? शादी करा शादी करा, मैंने पीछे छुड़ाने के लिए तेरे गले डाल दी। महक, प्रिया, सोनिया और कितनों को धोखा देगा तू? ना तो साले तू यारी के लायक है और ना ही किसी के प्यार के लायक है तू। ठीक है जी, सर SHO साहब से मिलना था। सर जरूरी मीटिंग में है, आप बाहर वेट कीजिए। जी Huh?
ला भाई गोल्डी साइन करवा ली जो करवाने। सत्य जा बाहर से लड़कियों को बुला के ला। लाता हूँ जी। लीजिए सर। अंकल जी वो लड़कियां कहाँ गई? वो तो गई बेटा। अच्छा महक, अच्छा होता अगर आज तुम जिमी पर रेप केस करवा देती, कम से कम उसको उसके किए की सजा तो मिल जाती। भगवान उसके किए की सजा उसे खुद ही देगा। जैक ने पुलिस के आगे अपना जुर्म कबूलते हुए बताया कि आपसी रंजिश के चलते मक्खन ने पाली की बहन को गलत कामों पर लगाया, जिसका पता चलने पर पाली ने दीपे का कत्ल कर दिया और दीपे के कत्ल के गुस्से में जैक से पाली का खून हो गया। पुलिस की तफ्तीश और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह सामने आया कि मक्खन की मौत ऊंचाई से गिरने पर हुई है और जिमी की लाश में से मिली गोलियां और पिस्तौल के फिंगरप्रिंट से पता चला कि अंबर ने ही जिमी को मारा है। अंबर ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसको अपनी जान बचाने के लिए मजबूरन जिमी पर गोली चलानी पड़ी, जिसके आधार पर अदालत ने बाइज्जत अंबर को बरी कर दिया। दोस्त हमें जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं, पर कई बार किस्मत ऐसे हालात पैदा कर देती है कि हमारे यही जान से प्यारे बन जाते हैं हमारे हेटर्स।